हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय पाल वर्मा। टेक्निकल वी इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस टेस्ट जो करते हैं उसमें पर फेज रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, या आई स्क्वायर आर लॉस कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 1.5 या 3 से गुणा क्यों करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, DY11 का ट्रांसफार्मर है, उसमें एच वी साइड डेल्टा और एल वी साइड स्टार होता है। इसमें आर आर ओ वाई के बीच अगर रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं तो उसको पर फेज रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे और एल बी साइड का पर फेज रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एच बी साइड डेल्टा है, एल बी साइड स्टार है। मान लीजिए हम डेल्टा दिखाते हैं। आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। दोस्तों, डेल्टा साइड का रेजिस्टेंस टेस्ट करना है, मान लीजिए इसमें पर फेज रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ने पर क्या होता है, पैरेलल में जोड़ने पर रेजिस्टेंस कैसे जोड़ेंगे, सीरीज कैसे जोड़ेंगे, इसका पूरे फार्मूले के साथ पिछले वीडियो हमने बताया, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए हमें आर और वाई के बीच हमने रेजिस्टेंस टेस्ट किया, आर वाई के बीच रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, मान लीजिए आर वाई के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट किया तो इसके इसके बीच ये दोनों सीरीज में हो गया। अब सीरीज जोड़ने पर सीधे जुड़ जाता है तो इसको हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा ये आप देख सकते हैं, 2R इंटू आर अपन 3R। ये दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, ये रेजिस्टेंस और ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में जो फार्मूला आप जाकर पीछे हमारे वीडियो में देख सकते हैं, इसके ये आ गया, इसको आ जाएगा R कट जाएगा 2/3R। अब जो रेजिस्टेंस आएगा इसको R रिजल्टेंट इजिकल टू 2/3R, तो हमें R की वैल्यू निकालना है। इसको गुणा कर लेते हैं, 3RE बराबर 2R, 2R बराबर 3RE, तो R इजिकल टू जो हमें निकालना है 3/2RE, तो R इजिकल टू 1.5RE। मतलब जो रेजिस्टेंस आप टेस्ट करेंगे पर फेज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 1.5 से गुणा कर देंगे। आप देख सकते हैं उसमें 1.5 से गुणा कर देंगे तो पर फेज का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसीलिए आई स्क्वायर आर कैलकुलेट करते हैं तो उसको पर फेज में कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए 1.5 से वहाँ पर गुणा कर दिया जाता है। अब हम इसको देखते हैं एल बी साइड में पर फेज रेजिस्टेंस कैसे होता है, कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एल वी साइड का है, आर वाई बी और न्यूट्रल। अब यहाँ पर देख सकते हैं आर वाई बी और न्यूट्रल है, इसमें हमें आर और वाई के बीच अगर रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे तो दोनों दो फेज का रेजिस्टेंस ऐड होगा, ऐसे आया दो फेज का रेजिस्टेंस होगा। आर वाई के बीच अगर हम टेस्ट करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2R, आर आर 2R। अगर हम आर एन के बीच टेस्ट करेंगे तो आर एन के बीच क्या होगा, हाफ हो जाएगा 2R/2, मतलब R। तो आर एन के बीच जो रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे जितना R आएगा, अगर इसको फेज टू फेज में कन्वर्ट करेंगे तो जो रेजिस्टेंस वैल्यू आया रहेगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे। मतलब अगर हम फेज टू फेज रेजिस्टेंस टेस्ट किया उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो पर फेज हो जाएगा, और पर फेज रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, फेज न्यूट्रल रेजिस्टेंस टेस्ट किया उसको गुणा 2 कर देंगे तो फेज टू फेज रेजिस्टेंस हो जाएगा। फेज टू फेज हम रेजिस्टेंस टेस्ट कर लेंगे उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो पर फेज रेजिस्टेंस हो जाएगा एल वी साइड का। और एच वी साइड का डेल्टा साइड में अगर हम फेज टू फेज आर और आई के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे उसमें 1.5 से गुणा कर देंगे तो पर फेज रेजिस्टेंस हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।